पिछले 11 साल के इतिहास में कई सारे विदेशी खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराया है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन 5 विदेशी खिलाड़ियों के नाम जो एक समय आईपीएल में बहुत बड़ा नाम बन गए थे, लेकिन आज की स्थिति में आईपीएल से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। और दोस्तों, इसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, कारण भी बताऊंगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहले खिलाड़ी जिनका नाम हमने हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा है वो है भाई ऑस्ट्रेलिया के जेम्स फॉकनर। दोस्तों, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 2013, 2014 और 2015 के आईपीएल में जेम्स फॉकनर एक बहुत बड़ा नाम माने जाते थे। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इन्हें पिक किया था और राजस्थान रॉयल्स के कोर प्लेयर बन गए थे। दोस्तों, आईपीएल में इन्होंने वेरिएशन को इंट्रोड्यूस किया था, मतलब ये स्लो गेंदबाजी करते थे, स्लो यॉर्कर डालते थे, बहुत ज्यादा वेरिएशन करते थे, इसलिए ये T20 क्रिकेट में उस समय बहुत ज्यादा सफल हो गए थे। दोस्तों, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम में भी जेम्स फॉकनर को जगह मिली थी। आज की कंडीशन दोस्तों ये है कि ये सिर्फ बिग बैश लीग के प्लेयर बन गए हैं, मतलब इन्हें आप साल में बिग बैश लीग में देख सकते हैं या फिर आप कैरेबियन प्रीमियर लीग में इन्हें देख पाते हैं। उसके अलावा ना इन्हें इंटरनेशनल मैचों में जगह मिल रही है और पिछली 2-3 बार की नीलामियों में इन्हें आईपीएल में भी जगह नहीं मिली है। आखिरी दफा शायद ये गुजरात लॉयंस की तरफ से 2016-2017 के दौरान खेले थे, जब इनका परफॉर्मेंस बहुत बुरा था। तो भाई, जेम्स फॉकनर ने जब अपनी वेरिएशन में काम करना बंद किया, अपनी गेंदबाजी से उनका ध्यान जब हटा, तो फिर भाई T20 क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है ना कि ये सजा भी बहुत जल्दी देता है और फॉकनर को इसकी सजा मिल गई। दूसरा खिलाड़ी जो आईपीएल से बहुत बुरी तरीके से गायब हुआ है, ये प्लेयर बहुत बड़ा नाम था, मुंबई इंडियंस के फैन इन्हें जानते हैं, वो है भाई लैंडन सिमंस। वेस्ट इंडीज से आते हैं लैंडन सिमंस और बहुत बड़ा नाम थे। आई थिंक 2016 में जो वर्ल्ड T20 हुआ था उसमें वेस्ट इंडीज की टीम की जीत में बहुत अहम योगदान पूरे टूर्नामेंट में लैंडन सिमंस का रहा था, लेकिन उसी समय के बाद से आईपीएल से गायब है। आई थिंक 2015-2016 का दौर था जब वो आखिरी दफा आईपीएल में दिखे थे, उसके बाद से अंदर बाहर होते रहे मुंबई की टीम में और अब स्थिति यह है कि पिछली बार की नीलामी में भी नहीं बिके थे और चांसेस कम है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ज्यादा दिखते नहीं है। कोई कह रहा है कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, कोई कह रहा है नहीं भाई अभी भी अवेलेबल है, तो स्थिति उनकी अभी तक क्लियर नहीं है, फॉर्म में लंबे समय से नहीं है, फिटनेस इश्यू बन गया है, दैट इज वाई लैंडन सिमंस गायब हो गए। मुंबई की टीम बिडिंग नहीं करती, दूसरी टीम इन पर ध्यान देती नहीं है, इसलिए गायब हुए। तीसरा खिलाड़ी जो आईपीएल से पूरी तरीके से गायब हो गया है इस समय, वो है भाई सैमुअल बद्री। सैमुअल बद्री दोस्तों बहुत बड़ा नाम था और आई थिंक 2-3 साल पहले की ही बात है, आरसीबी की टीम की तरफ से इन्होंने हैट्रिक ली थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, आरसीबी के प्राइम प्लेयर बन गए थे, लेकिन उसी सीजन के अगले सीजन में वो आरसीबी की तरफ से गायब हो गए। आरसीबी ने रिटेन नहीं किया तो किसी ने खरीदा भी नहीं। सैमुअल बद्री का आईपीएल से गायब होने का सीधा रीजन ये था कि वो एक साल आउट ऑफ फॉर्म रहे, वेस्ट इंडीज की टीम में भी जगह अब उन्हें नहीं मिलती है, अब लोकल क्रिकेट खेलते हैं, T20 डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीएल में स्पिनर्स की कमी नहीं है, लोकल डोमेस्टिक स्पिनर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है, एंड दैट इज वाई विदेशी स्पिनर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया आईपीएल में सर्वाइवल। और इसी कारण से जब से वो बाहर हुए हैं सैमुअल बद्री, आज की डेट हो गई है, अभी तक वैनिश आउट ही हैं और अभी हाल में कोई ऐसा फॉर्म परफॉर्मेंस दिया नहीं है कि 2020 की नीलामी में बिक जाए, तो इनके लिए अभी शायद वैनिश आउट जारी ही रहेगा। दोस्तों, चौथे खिलाड़ी जो आईपीएल से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं वो है जॉर्ज बेली। दोस्तों, जॉर्ज बेली का नाम आप जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तान रहे, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के 2014 के दौरान कप्तान रहे, बहुत बड़ा नाम आईपीएल में बन गए थे क्योंकि कैप्टेंसी कर रहे थे पंजाब की टीम की, हालांकि नेशनल टीम की ऑस्ट्रेलिया की कैप्टेंसी तो ये सक्सेसफुली कर गए लेकिन पंजाब की करी नहीं, उसके बाद से नेक्स्ट सीजन में बिके नहीं। इनकी एंट्री दोस्तों हुई थी CSK के माध्यम से, लेकिन पिछले 2-3 साल से ये आईपीएल में दिखे नहीं है, हालांकि बिग बैश लीग बराबर खेल रहे हैं, नीलामी में अपना नाम देते हैं पर बिकते नहीं है, इन पर बिडिंग कोई करता नहीं है क्योंकि भाई एक तो एज फैक्टर इनके खिलाफ चला गया है, दूसरी बात यह है कि बिग बैश लीग के परफॉर्मेंस के आधार पर आईपीएल में प्लेयर्स बिकते नहीं है, मतलब BBL का परफॉर्मेंस आईपीएल के लिए कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि यहाँ पर वैसे ही एक स्टेज लेवल बहुत अलग लेवल का है, एंड दैट इज वाई जॉर्ज बेली जो बिग बैश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पिछले साल भी किया था, एवरेज अबव द एवरेज परफॉर्मेंस था, आईपीएल से गायब हो चुके हैं। दोस्तों, पांचवें और आखिरी खिलाड़ी जो आईपीएल से गायब हुए हैं और ये प्लेयर बहुत पहले आईपीएल में खेलता था, वो है भाई रियान टेन डिस्काटे। अब ये खिलाड़ी दोस्तों नीदरलैंड का प्लेयर है, मतलब ये उन कंट्री से नहीं आता है जहां पर अमूमन क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जाती है, एसोसिएट नेशन से जो है डिस्काटे आते थे, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इन्हें एक जमाने में खरीदा था, आई थिंक 2014-2015 में ये आईपीएल में खेले भी थे और आईपीएल में एक बड़ा नाम बने थे क्योंकि तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर थे और वेरिएशन लेकर आ रहे थे, दैट इज वाई KKR की टीम ने एक सीजन में
इन्होंने केकेआर को बहुत कुछ सर्व कर दिया था, लेकिन उसके बाद से जो गायब हुए हैं ना, डस्काटे का कहीं अता पता नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं खेलती है। डस्काटे के अब कहीं मिलने की, कहीं परफॉर्म करने की उम्मीद कम हो जाती है। CPL में आई थिंक अभी भी डस्काटे दिखते हैं, लेकिन अब उस तरह का परफॉर्मेंस रह नहीं गया है। एंड दैट इज वाई रियान टेन डस्काटे भी वो खिलाड़ी है जो IPL से पूरी तरीके से वैनिश आउट हो चुका है। दोस्तों ये वो 5 खिलाड़ी थे जो IPL से पूरी तरीके से वैनिश आउट हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों ओएन मॉर्गन भी लंबे समय से IPL नहीं खेले हैं, रॉस टेलर भी लंबे समय से IPL नहीं खेले हैं, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इतने अच्छे फॉर्म में, कैसा हो सकता है कि 2020 में इनकी वापसी हो जाए, इसलिए हमने इन्हें इस लिस्ट में जगह नहीं दी है। आपके हिसाब से आपका फेवरेट प्लेयर इनमें से कौन था, और कोई नाम हमसे छूट गए हैं तो कमेंट बॉक्स भाई आपके लिए, आपके पास मेरे से ज्यादा IPL का नॉलेज है, क्रिकेट का नॉलेज है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।